वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशन पॉइंट में। आपसे पहले हम अभ्यास 3.3 के 3 का फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं और उससे पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम अभ्यास 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करा रहे हैं आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूँ कि यदि दो संपूरक कोण हैं, इसका अर्थ ये है कि उन दोनों कोणों को यदि आप जोड़ते हो तो 180 आना चाहिए। मतलब संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 180 अंश होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। दो संपूरक कोण बताए गए हैं और बताया गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको कोई सा भी कोण नहीं पता है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि दोनों को जोड़ने पर 180 होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, और दोनों कोणों का अंतर 18 डिग्री है। यानी पहला कोण दूसरे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण x अंश है तथा छोटा कोण क्या है? y अंश है। दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। पर्सन में जो चीज़ दी गई है वैसे ही हम यहाँ पे स्थिति फर्स्ट, जो कंडीशन फर्स्ट लगाई गई है वो लिख देंगे। पहली कंडीशन के अनुसार स्थिति फर्स्ट, उसमें आपसे कहा गया है कि पहला जो कोण है वो दूसरे कोण से 18 अधिक है। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जा रहा हूँ। x बराबर y प्लस 18, इसके बाद में y को इस साइड में ले आएंगे, x माइनस y बराबर 18, समीकरण एक। इस तरह से समीकरण एक बन जाएगी आपकी। वैसे ही स्थिति सेकंड को लेंगे, हमें पता है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो वही मैं यहाँ पे पहले एक बार उसे लिख दे रहा हूँ लाइन को, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, पूरी लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद में इसको भी बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। किस तरह से? x प्लस वाई बराबर 180 अंश, y बराबर 180 अंश, समीकरण सेकंड। अब हम समीकरण फर्स्ट लेंगे, समीकरण फर्स्ट लेकर के उससे x की वैल्यू निकाल कर समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट लिया है हमने और x की वैल्यू से निकालेंगे और समीकरण दो में रख देंगे। यही प्रोसेस हम पहले से करते आ रहे हैं, जो अब से पहले हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें भी यही प्रोसेस था। तो x की वैल्यू निकाल लिए समीकरण एक से, 18 प्लस y आई है, अब समीकरण दो में रख देंगे। x का जो मान आया है वो हम समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण दो में ये वैल्यू रखने पर कुछ इस तरह का ये हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एक से निकाली है दो में पुट कर देंगे। x की जगह पर 18 प्लस y रख देंगे, एक y इसमें पहले से ही मौजूद है, तो 18 प्लस y x की जगह पर ये रखा गया है, प्लस y, ये मैं ब्रैकेट में इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि x की जगह पर वैल्यू पुट की गई है, बराबर 180। इसके बाद में बिना ब्रैकेट के मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ, 18 प्लस वाई बराबर 180। अब वाई वाई को जोड़ देंगे, 2y हो जाएगा, और 18 को पक्षांतर करके दूसरी साइड में ले जाएंगे, 180 माइनस 18 2y के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, 180 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, 162 बचेगा, 162 पर जो 2 है ये 2 को हम ले जाएंगे 162 के नीचे,
बटे में और डिवाइड कर देंगे, 2y बराबर 162 अपॉन में चला जाएगा, अब ये 2 162 अपॉन 2 काट देंगे, यहाँ पे y बराबर आ जाएगा आपका 81। तो y की जो वैल्यू आपकी आ चुकी है वो है 81, ये 81 अंश आ चुकी है। इसके बाद में हम y का मान समीकरण आपकी मर्जी है 1, 2 में कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, आप अपनी मर्जी अनुसार रख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में जहाँ पे y है वहाँ पे हम मान रख देंगे 81। तो समीकरण 1 कुछ इस तरह से है, x माइनस वाई बराबर 18। एक्स माइनस वाई की जगह पर हमने वैल्यू रख दी है 81 बराबर 18। यहाँ प्लस ये गलती से मुझसे लग गया है, मैं यहाँ बराबर लगा रहा हूँ, ये बराबर है। फिर रख देंगे यहाँ पे 18, वैल्यू रख दी है हमने 81, पक्षांतर करके इसे भी राइट हैंड साइड में लेके आ गए, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों को जैसे जोड़ते हैं 99 हो जाता है। जो x की वैल्यू आपकी अब आई है वो है 99 अंश। अब हम दोनों को सही से यहाँ पे अतः करके लिख देंगे, अतः बड़ा कोण कितना आया है हमारा 99 अंश, छोटा कोण आया है हमारा 81 अंश। दोनों कोणों को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इससे अगले वाला, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डिजिट थोड़ी बड़ी बड़ी दी गई है। इस तरह से लिख के इस क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में डिजिट थोड़ी बड़ी बड़ी दी गई है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और आसान है। लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन दिया गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों चीज़ें हमें माननी पड़ेगी, बल्ले का मूल्य भी और गेंद का मूल्य भी आपको मानना पड़ेगा। दोनों मूल्य हम मान लेंगे, सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, एक को एक्स मानेंगे एक को वाई मानेंगे। तो मानने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, माना कि बल्ले का मूल्य एक्स है तथा गेंद का मूल्य वाई है, वाई रुपये है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माना कि बल्ले का मूल्य है, बल्ले से अर्थ है एक बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य कितने रुपए हैं, एक्स रुपए है। वैसे ही सेम एक गेंद का मूल्य मैंने यहाँ सिंपल लिखा है, गेंद का मूल्य कितने रुपए हैं, वाई रुपए हम मान लेंगे। आफ्टर इसके स्थिति पहली जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक समीकरण बनाएंगे। स्थिति फर्स्ट, कितनी गेंदे हैं, 6 गेंदे और सॉरी 7 बल्ले हैं पहले, फिर 7 गेंदे हैं। वैसे ही हम यहाँ पे समीकरण बना देंगे 7x, क्योंकि x जो है वो बल्ले का मूल्य है, y गेंद का मूल्य है। 7x प्लस 6y बराबर 3800, पहली समीकरण। इसके बाद में समीकरण 2 बनाएंगे, 3x प्लस 5y बराबर 1750, समीकरण 2 बन जाएगी। फिर इसके बाद में समीकरण 1 या 2 जो भी हमें ठीक लगेगी हम उसे लेके x की वैल्यू निकालेंगे। आप y की भी निकाल सकते हो, x की भी, इससे कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप x की वैल्यू ही निकालेंगे, पर हम क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो समीकरण 2 आसान है, इसमें छोटी डिजिट आ रही है तो हम इसे ही ले करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो
हम जब इसका पक्षांतर कर देंगे पाँच का, पाँच वाई का, तो ये दूसरी साइड में चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। ये हो गया एक्स के साथ में जो तीन है ये भी इसके भाग में जाएगा, पाँच वाई अपॉन में थ्री। एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने समीकरण दो से ये वैल्यू निकाली है, इसीलिए समीकरण एक में ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, जहाँ पे समीकरण एक में एक्स दिया हुआ है वहाँ पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3। तो समीकरण में यहाँ पे 7 दिया गया है पहले, फिर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी है 5y, और उसमें बीच में माइनस का चिन्ह भी आ रहा है इसीलिए ब्रैकेट अनिवार्य है। फिर प्लस 6y बराबर 3800 लिखने के बाद में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। जब 1750 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12250 आ जाएगा। फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7535 आ जाएगा। अपॉन में 3 रहेगा, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 12250 आएगा। आप इस मल्टीप्लाई को अलग भी करके देख सकते हैं रफ कार्य पे। अच्छा हुआ कि आप छोटे छोटे कार्य रफ कार्य पे कर लें, ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मल्टीप्लाई करके 12250 आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करके 12250। फिर 12250, फिर माइनस का चिन्ह है वो लगाएंगे, 7535 वाई अपॉन में 3 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस के 6y बराबर 3800। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, 18 हो जाएगा, 12250 35y, यहाँ पे मैं y लिखना भूल गया हूँ लेकिन यहाँ पे y है 35 के साथ में भी। अब इसके बाद 3800, अब ये 3 जो है सारे के बटे में आ चुका है, अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3800 में। तो आगे मल्टीप्लाई कर दी हमने 3 के 3800 में, ये हो जाएगा 12250 माइनस के 35y प्लस 18y बराबर 3800 गुना 3। अब 3800 की गुना 3 में कर देंगे तो आपका आ जाएगा 11400। अब 12250 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, 35 और 18 को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे इसको 12250, और ये घट के आएगा 35 में से 18 जब घटा देंगे हम माइनस के 17, यहाँ पे माइनस के 17 लिख देंगे, 17y, क्योंकि y साथ में है तो माइनस के 17y लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद में जो राइट हैंड साइड में ये जो 11400 और माइनस के 12250 है इसको भी सोल्व करेंगे, घटा देंगे इनको भी आपस में। घटाने के बाद में यहाँ पे आपका बच जाता है, इन दोनों को घटा देंगे, यहाँ आपका 850 बच जाएगा। जैसे ही इन दोनों को हम घटाते हैं माइनस के 17y बराबर, यहाँ पे आपके बच जाते हैं इन दोनों को घटा करके 850। अब ये माइनस के 850 बचते हैं क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अब 17 जो माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको भाग में लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे, 17 से 850 को डिवाइड करेंगे, फिर ये माइनस के 17y और यहाँ भी माइनस, और ये माइनस का 850, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे पहले। फिर एक बार लिखते हैं यहाँ पे 17y बराबर 850 अब इसको इसके नीचे लेके आएंगे, y बराबर 850 बटे 17, 17 × 85 काट दिया 50 आ जाएगा।
तो वाई का मान आपका 50 आ चुका है, मतलब गेंद जो है वो 50 रुपये की है। इसके बाद में वाई का मान समीकरण एक या दो कोई सी में भी आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे समीकरण सेकंड आसान लग रही है, उसमें डिजिट छोटी छोटी हैं इसीलिए मैं उसमें रख रहा हूँ। आप भी जहाँ पे आपको आसान लगे वहाँ पे वैल्यू रखें ताकि गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो। 3x प्लस 5 इंटू 50 बराबर 1750। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा बराबर 1750। 250 को पक्षांतर करके दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। जब ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो 1750 में से 250 को घटा देंगे, ये आपका बच जाएगा 1500। जैसे ही घटाते हैं 1500 बराबर 3x। अब जो 3 है ये, इसको आप 1500 के नीचे ले जाएंगे बटे में, मतलब भाग में, और 3 से 1500 को डिवाइड कर देंगे 1500 बटे 3। 3 × 5 = 15, एक्स बराबर 500। बल्ले का मूल्य 500 रुपये आ चुका है। बस आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज में एक लाइन लिखनी है पूरी, अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये है। इस लाइन को लिखने से क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं आपसे हिंदी में लाइन में लिख देंगे यहाँ पे 50 रुपये। इसी तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में करा दिए जाएंगे। इससे जो पहले क्वेश्चन है वो इससे पहली वीडियो में करा दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना वीडियो को ना भूलें।